बिंदास भिड़े टीम के जोरदार खिलाड़ियों। वैसे क्रिकेट हमारे लिए कोई नया खेल नहीं है, लेकिन कोई भी खेल खेलने से पहले हमें उसके इतिहास में झांकना बहुत जरूरी होता है। जैसे क्रिकेट का जन्म हुआ तकरीबन 18वीं सदी में। आज बाराम भिड़े, तुम ये क्रिकेट का हिस्ट्री बताने लगेगा तो खत्म होते होते हमारे मैच का दिन आ जाएगा। और इस वक्त हम नींव से उसका इतिहास समझने बैठेंगे ना भिड़े भाई, तो हमारी गोकुलधाम की टीम की हिस्ट्री में हमारी टीम हारी हुई टीम डिक्लेयर होगी। और हम सबको जीतना है। क्यों जीतना है? हाँ भिड़े अंकल, क्रिकेट खेलते समय सिर्फ इतना ही ध्यान रखना चाहिए, बैटिंग करते समय 4 और 6 मारो और बॉलिंग करते समय बैट्समैन के स्टंप उड़ा दो। वाह टप्पू वाह, हम लोग ऐसी बॉलिंग करेंगे कि दुनिया को हिला देंगे। हाँ आराम से पोपट भाई, आराम से, फिर तो हमारी टीम जीत कर ही रहेगी। लेकिन भिड़े भाई, मैं टप्पू के पापा को झाड़ू मारते हुए नहीं देख सकती। अरे दया भाभी, देखिए क्रिकेट के मैदान पे मेरी पत्नी माधवी मेरी पत्नी नहीं होगी और आपके पति जेठालाल आपके पति नहीं होंगे। आज से सारे संबंध खत्म। ये क्या बिना सोचे समझे बोले जा रहा है? जन्म जन्म का रिश्ता ऐसे थोड़ी ना टूटता है। दया भाभी, भिड़े भाई का कहने का मतलब ये है कि हम सब पति पत्नी तो है ही, पर खेल के मैदान में इस वक्त हमें सिर्फ अपनी टीम का साथ देना है और जीत हासिल करनी है। कहते हैं ना, हर काम पूरी निष्ठा से करो। यस अंजलि बाग, यू आर वेरी राइट। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हरे हाँ जयाबेन, भिड़े भाई हमारे कैप्टन है ना, तो हमको तो उनकी बात माननी पड़ेगी बाबा। मम्मी तुम सिर्फ इतना सोचो, हमें ये मैच जीतना है। अच्छा ऐसा है, तो फिर भिड़े भाई जो बोलना है वो बोलो। नहीं नहीं दया भाभी, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस आज से ही हम सब की जमकर प्रैक्टिस शुरू। बताइए जेठा जी, हमारी टीम की रणनीति क्या है? बिल्कुल, मैंने हमारी टीम की रणनीति तैयार की है। तो सबसे पहले उनकी टीम में सबसे अच्छा प्लेयर टप्पू है। करेक्ट। अगर हम टप्पू को सस्ते में आउट कर देते हैं तो पूरी बाजी हमारी हो जाएगी, बराबर? बिल्कुल कैप्टन। करेक्ट। yes, बिल्कुल। तो टप्पू को आउट करने की जिम्मेदारी सोटे मैं तुमको देता हूँ। बिल्कुल कैप्टन। तुम किसी भी तरह टप्पू को आउट कर देना। राइट कैप्टन। अभी बात रही फील्डिंग की, अब्दुल फील्डिंग में मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही भरोसा है। तुम्हारी फील्डिंग के बारे में मैंने हमारी मालकिन को भी बहुत तारीफ की है, बताया ना आपको, बहुत अच्छी फील्डिंग करता है। तो अब्दुल फील्डिंग में मुझे निराश मत करना। अब्दुल आप बेफिक्र रहिए, आप जहां भी बोलेंगे मैं वहां पर डाई मार दूंगा। अरे भाई मेरे बोलने के बाद तो डाई मारेगा तो कैच छूट जाएगा। कैच पकड़ूंगा ना। तो कैच पकड़ने के बाद डाई मारेगा वही। चल ठीक है, तू भाई फील्डिंग का संभाल लेना, ठीक है? अभी बैटिंग में सेवार भाई, मुझे आप पे बहुत ही भरोसा है। चौके छक्का बिंदास मारना और उनका छक्का छुड़ा देना। यस कैप्टन। कैप्टन? हाँ यस, मैं कैप्टन। यस ठीक है, तो बैटिंग हो गया, फील्डिंग हो गया और अपना बॉलिंग हो गया। अभी हमारी टप्पू सेना है। यस कैप्टन। वो तो बढ़िया है ही, अच्छा खेलती है, लेकिन सोनू बेटा एक खास बात, इधर हमारी मीटिंग में जो भी है खुफिया बातें हो रही है, तो मेहरबानी करके टप्पू को कुछ भी मत बताना। डोंट वरी अंकल, मैं टप्पू को नहीं बोलूंगी। हाँ जेठा भाई, वो मुझ पे कही है। मुझे आप पे भरोसा है। तो ये हो गई बात। अभी एक खास बात, हाँ, अंपायर बापूजी है। क्या अगर बापूजी के सामने मैं अपील करूंगा तो वो मुझे
करके बिठा देंगे। तो है बाबू जी का हिस्सा ही है, बोलने ही नहीं देते मुझे। और मैं भी क्या, अपने जैसे भारतीय संस्कृति है उस हिसाब से वडिल के सामने ज्यादा ऐसा बोलना नहीं चाहिए, तो मैं भी नहीं बोलता हूँ। अभी बापू जी तो बराबर। तो ये अपील का जो है वो मैं आप सबको जिम्मेदारी देता हूँ। आप सब जितने मर्जी वार त्यौहार पे अपील बिंदास करना। बिल्कुल कैप्टन, हम लोग करेंगे। हम लोग ऐसी अपील करेंगे कि बापू जी आउट ही देंगे। तो ये थी मेरी हमारी टीम के लिए रणनीति। ग्रेट, ये सब तो ठीक है जेठा जी, पर आप ये बताइए कि हम प्रैक्टिस कब से शुरू करें। वो बताइए सेठ जी। शांति शांति, बता रहा हूँ। तो हमारी प्रैक्टिस आज से अभी से, मतलब एक घंटे के बाद हम लोग कंपाउंड में मिलते हैं और प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। ठीक है, ग्रेट। सो लेट्स जस्ट गो एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो लेट्स ऑल गेट अप एंड ब्रश अप ऑन आवर स्किल्स। ठीक है, तो जैसे हमारी मालकिन ने कहा, सब लोग ब्रश करके अभी एक घंटे के बाद नीचे कंपाउंड में मिलेंगे और जोर शोर से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए, अगर हमारी टीम जीत गई तो सब प्लेयर्स को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से एक एक मोबाइल फ्री। देखिए ये मैच किसी भी हालत में हमें जीतना है। हमारी टीम का नाम है बिंदास, तो सब बिंदास तरीके से खेलेंगे, कोई भी डर के नहीं खेलेगा। और दया भाभी, रिश्तेदारी एक तरफ और जिम्मेदारी एक तरफ। हाँ जी कैप्टन। बचपन से ही मेरी माँ ने यह गुण दिया है कि जो भी जिम्मेदारी आती है उसको। तो चलो मिलके शुरू करते हैं प्रैक्टिस। हाँ जेठालाल, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, इसको स्टंप बोलते हैं, स्टंप। देखो जेठालाल, पहले हम आए हैं। किधर, दुनिया में या कंपाउंड में? अरे क्योंकि अगर दुनिया की बात कर रहे हो तो तुमसे मैं बड़ा हूँ, तो दुनिया में मैं पहले आया हूँ। तो इधर प्रैक्टिस हम लोग पहले करेंगे। बिल्कुल बराबर। अरे ये जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती जेठालाल है। ये दादागिरी है जेठालाल। जो समझो दादागिरी तो दादागिरी, प्रैक्टिस हम लोग करेंगे इधर। चलो भाई चलो, ये ले गोली, ये बॉल ले, बॉलिंग कर, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। गोली, तू बॉलिंग नहीं करेगा। देख क्या रहा, जा जा बॉलिंग कर बिंदा, जा जा जा। गोली, अगर तूने बॉलिंग की तो टप्पू सेना से आउट। क्या बात है टप्पू, वेरी गुड, आज से तू टीम का वाइस कैप्टन। अंकल सॉरी, बॉलिंग नहीं कर सकता, टप्पू ने मना कर दिया। अरे मैं टप्पू का बाप हूँ, मैं उसके टप्पू से नहीं बंद करवा दूंगा, तू चिंता मत कर, चल चल बॉलिंग डाल डाल डाल। ठीक है टप्पू, तू बॉलिंग कर, प्रैक्टिस हम करेंगे। हाँ। बोला ना भीड़ा समा, ऊंचा सुनता है क्या तू? ये तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बोला समझते है नहीं? हम करेंगे। भैया छोड़ इस पोपट को, इसके तो पंख काट देता मैं। इधर ए जेठिया, ए बिल्ली मास्टर, तुम लोग क्या अखाड़े के पहलवान हो जो मिलते ही कुश्ती करना शुरू कर देते हो? अरे भाई एक टीम इधर प्रैक्टिस करो और एक टीम बगीचे में जाके प्रैक्टिस करो ना। हाँ बराबर, जा बेटा भाई, अपनी टीम को लेकर बगीचे में जा। जा ए जेठिया, तू जा बगीचे में जा,
अरे बापूजी। चलो चलो चलो। बाय 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 बाय। क्या भीड़? क्या प्रॉब्लम है? ना प्रॉब्लम कुछ नहीं है मोहनलाल भाई, वो तो क्या दो टीम है, तो मैं बोला भाई तुम लोग किधर करो, हम लोग गार्डन में करते हैं प्रैक्टिस। गार्डन में क्या बबीता जी, जरा अच्छा मजा आएगा, घास है तो क्या बहुत अच्छा रहेगा हमको। क्या सब लादी है पैर में ऐसा लगेगा उधर। चलो चलो उधर जाते हैं, आगे बैठा स्टंप उठा ले। चलो बगीचे का रास्ता मालूम है कि छोड़ने के लिए आओ। चुप रहना भाईडी। हाँ जाइए आप। पता आपस का है मोहन भाई, उसमें आपको कुछ बदलाल बांधे बांधे। भाई तू क्या स्विमिंग पूल में ऐसा डाइव मार रहा, क्या कर क्या रहा भाई तू? भाभी भाभी आप ऐसा समझो आचार की बढ़नी आ रही है। या क्या क्या किस टाइप का अनुभव है आपका? अरे भिड़े सुन यार, बोल डालो क्या हुआ? ये हम सब प्रैक्टिस वैक्टिस कर रहे हैं हाँ? लेकिन मैच खेलेंगे कैसे? कैसे? अरे बॉलिंग अंडर आर्म होगी कि ओवर आर्म होगी? फोर कहाँ होगी, सिक्स कहाँ होगी? नहीं नहीं ये सब पहले डिसाइड करो, मैं उसके हिसाब से प्रैक्टिस करूंगा। अरे इन सब बातों के बारे में सोचा ही नहीं है मैंने। अरे तो सोचो ना वरना फिर मैच कैंसिल। अरे क्या मैच कैंसिल पोपटलाल, नहीं तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, मैच में बहुत सारी बातें क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं एक काम करता हूँ, सारी बातों की एक लिस्ट बना लेता हूँ और आज रात को मीटिंग बुलाकर हम लोग ये सारी बातें क्लियर कर देंगे, ठीक है? हाँ क्लियर कर लो वरना फिर मैच। नहीं 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 कैंसिल नहीं, चलो प्रैक्टिस करते हैं। चलो 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 तो बिंदास भिड़े और जबरदस्त जेठा टीम के सदस्यों, आज की ये मीटिंग मैंने हमने इसलिए बुलाई है ताकि हम क्रिकेट के मैच के कुछ नियम तय कर सके। अरे भाई तू अभी भी नियमों में अटका हुआ है, अभी इसमें नियम क्या नक्की करने का भाई? देखो जेठालाल कोई भी मैच नियम के बगैर कंप्लीट नहीं होता। हाँ ठीक है भाई चलना, बोल भाई बोल। जेठालाल हाँ, नियम क्रमांक एक, जैसे कि आप जानते हैं कि इस मैच में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी हिस्सा ले रही है, तो सबसे पहले बॉलिंग का प्रकार निश्चित होना जरूरी है। जैसे कि बॉलिंग के प्रकार होते हैं ए अंडर आर्म, बी
थ्रो और सी ओवरआर्म। ओवरआर्म मत रखिएगा, बच्चे लेडीज सारे हैं ना, इसलिए। बराबर है, बच्चे लोग भी है, बच्चे लोग को ओवरआर्म डालेंगे तो बॉल किधर जाएगा, और ऊपर से हमारी टीम में तो शॉटी है, 6 फुट का शॉटी है, ऐसा 8 फुट से बॉल आएगा तो किधर जाएगा, पहले माले में। नहीं नहीं नहीं, हाँ तो भी ठीक है, बॉलिंग के 2 प्रकार निश्चित होते हैं, ए अंडरआर्म और बी थ्रो। नियम क्रमांक 2, बाउंड्री, हाँ वही बोल रहा हूँ, बाउंड्री कहाँ होगी और सिक्सर कहाँ होगी। अरे भाई उसकी फिक्र तू क्यों कर रहा है, तेरे से ना कोई बाउंड्री जाने वाली है ना कोई सिक्स जाने वाली है। जीजिया, मेरे हिसाब से हमारे कंपाउंड वॉल को अगर बॉल लगता है तो वो बाउंड्री होगी, और उस कंपाउंड वॉल के ऊपर से अगर बॉल जाती है तो वो सिक्सर होगा। ठीक है, हाँ तो 1 मिनट। सबसे महत्वपूर्ण नियम क्रमांक 3, हाँ बोलो। अगर खेलते वक्त कोई खिड़की का कांच तोड़ता है तो उसका नुकसान कौन भरेगा, ए कांच तोड़ने वाला, बी टीम का मालिक, सी टीम का कप्तान, या फिर डी जिसका कांच टूटा है वो खुद। कोई नहीं भरेगा, सिर्फ तुम भरोगे। जेठालाल, ये मजाक का वक्त नहीं है। अरे झड़ ना यार पीड़े, जिसका भी कांच टूटेगा वो जुर्माना भर देगा ना यार। हाँ वही अच्छा है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर जिसका कांच टूटेगा वही नुकसान सह लेगा। ठीक है, देखा ना, और मजे की बात तो यह कि मुझे दिख भी रहा है। माय डियर जीजा जी, कैसे हो आप? अभी तक ठीक था, अभी आगे पता नहीं। तो क्यों आया भाई? अरे जीजा जी, गोकुल धाम में इतना बड़ा क्रिकेट मैच हो रहा है और सुंदर ना है तो कैसा लगेगा? तूने बताया फोन करके? जीजा जी, हाँ टैक्सी के पैसे चुकाने। जीजा जी आप कितने समझदार हो गए हो। इस बार तो भाई अहमदाबाद से टैक्सी लेकर नहीं आया ना? नहीं नहीं नहीं, एयरपोर्ट से ही आया हूँ। कितना हुआ भाई? 6,500। 6,500? कौन से एयरपोर्ट से आया तू? बड़ौदा के। जीजा जी क्या हुआ कि बड़ौदा में मेरे दोस्त की शादी का रिसेप्शन था तो मैं उसमें गया था, फिर मैंने सोचा कि चलो फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ जाता हूँ, तो एयरपोर्ट पे गया और पता चला कि फ्लाइट तो निकल चुकी है। बाहर निकला तो ये मिल गया, ये बोलता था कि चलो मैं आपको पहुँचा देता हूँ मुंबई। मैंने सोचा भाई चल तू राजी ले, तो उसको लेके आ गया। अरे जीजा जी बातें तो सब होती रहेगी, अंदर जाके बातें करेंगे, ये बेचारा गरीब आदमी उसको पैसे दे दो ना पहले। आप देंगे? ओ भाई सब दे देंगे, सबको दिए आपको भी दे देंगे। मेरा जरा सामान लाओ ना। कुछ कम नहीं। चलो चलो लाओ लाओ। अरे वाह, अरे वाह मामा, ये गिफ्ट आप मेरे लिए लाए? नहीं नहीं, ये तो माय डियर जीजा जी के लिए है। देखा क्या, बैठ बैठ लाया मेरे लिए? अरे माय डियर जीजा जी देखिए तो सही, लाइए लाइए आपका हाथ डालिए अंदर। हाँ। अरे अरे घुंगरू वाला बैट। अच्छा है, अच्छा है तो ले पकड़ ले। ये क्या मजाक है जीजा जी, मैं आपके लिए ये नहीं लाया हूँ। आपने शर्त रखी है ना कि जो टीम हार जाएगी वो झाड़ू से पूरा ग्राउंड साफ करेगी, तो ग्राउंड साफ करने के लिए ये झाड़ू है, ये हारने वाली टीम के लिए है। पर जीजा जी, जो टीम जीत जाएगी उसे क्या मिलेगा? अरे भाई जीतने वाली टीम को हारने वाली टीम को झाड़ू मारते हुए देखने का आनंद,
अरे ऐसा थोड़ी ना होता है जीजा जी। सुनो 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 सब लोग सुनो बापू जी। हाँ सुनो, गोकुलधाम प्रीमियर लीग जीतने वाली टीम को मिलेंगे 21,000 रुपए। अरे वाह, बेस्ट बॉलर और बेस्ट फील्डर को मिलेंगे 5,000 रुपए। वेरी गुड, ओ जेठालाल, ये तुम्हारे साले साहब क्या कह रहे हैं? अब ये नया खर्चा कौन उठाने वाला है? क्या पता भाई। माय डियर भिड़े, ये गोकुलधाम प्रीमियर लीग की मैच है, बड़ी शान से होनी चाहिए। IPL 2020 से भी बढ़कर होनी चाहिए। और आप सब लोग पैसों की चिंता मत करो, सब खर्चा संभाल लेगा ये सुंदर। ए भाई, तू कहां से लाएगा पैसा? अरे पहले मेरे वीरा को खाने तो खाने दीजिए। चलो बाड़ी, तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे। तूने जो इनाम की रकम जाहिर की है वो तू कहाँ से लाएगा? जीजा जी, आपसे उधार ले लूंगा, बाद में आपको लौटा दूंगा। देखा? हाँ तो क्या? हाँ तो जीजा जी, मैच होने के दूसरे ही दिन मैं आपको 10% ब्याज के साथ पैसे वापस कर दूंगा। मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए। थैंक यू जीजा जी, यही उम्मीद थी आपसे। अरे भाई, ए, मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है जीजा जी, तो मैं और टप्पू पैसों का कहीं और से इंतजाम कर लेंगे। वो कैसे मामा? ओके ये। ए, क्या ओके ये? मुझे तो बताओ क्या। पापा आपको कल पता चल जाएगा। माय डियर जीजा जी, अब आप चैन से सो जाइए और तू खाना खा ले। चलो बेटा, चलो चलो। आया बड़ा, चैन से सो जाइए। अरे तुझे देखते ही मेरी नींद उड़ जाती है। पता नहीं है टप्पू और उसका मामा कंस कल क्या गुल खिलाएंगे। गोली बेबी, हाय बेबी, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ मम्मी, तुम्हें पता है सोसाइटी में क्या हो रहा है? गोकुलधाम सोसाइटी है तो जो भी होगा हंगामेदारी होगा ना। यस मम्मी। टेल मी, सोसाइटी में सभी फैमिली के बीच नाइट क्रिकेट हो रहा है। वाओ, और मैं जेठा अंकल की टीम में हूँ। सुनो, जम के क्रिकेट खेलना और खूब सारे फोर्स और सिक्सेस मारना, और हाँ, मैन ऑफ द मैच बनना। ओके ओके मम्मी, बाय। टप्पू के होते हुए मैं कैसे मैन ऑफ द मैच हो सकता हूँ? भाई, क्या बात है, पूरी पलटन। ओ क्या है ना, कुछ आपसे काम था। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो। अंकल आपको पता है हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में नाइट क्रिकेट मैच होने वाली है। अरे वाह, वेरी गुड। अंकल हमें आपकी दुकान का एक बैनर चाहिए। हाँ लेके जाओ। अंकल बैनर के साथ साथ आपको 2,000 रुपए भी देने पड़ेंगे। टप्पू बैनर लेके जाना है तो लेके जाओ भाई, रुपए नहीं दे सकता। अरे अंकल प्लीज। अंकल ऐसे क्या कर रहे हो, हमारी पूरी सोसाइटी आपके माथे तो सामान लेती है, अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? प्लीज अंकल, प्लीज अंकल, प्लीज अंकल, प्लीज अंकल। अरे सेठ जी, काय को इनका दिल तोड़ता है, दे दो ना। अच्छा ठीक है बच्चों, ठीक है, लेकिन मेरा बैनर तो बराबर दिखेगा ना। अरे अरे आपका ही बैनर दिखेगा। फिर ठीक है, बैनर के साथ पैसे भी लेके जाना। हाँ क्या गोकुलधाम सोसाइटी में नाइट मैच है? हाँ। और उसका लाइव टेलीकास्ट करना है। हाँ। और उस दिन का नाश्ता, ठंडा चाय, कॉफी सब आपकी तरफ से।
लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? अंकल आप ये तो मानते हो ना कि गोकुलधाम सोसाइटी पूरे एरिया में फेमस है? हाँ वो तो है। तो सोचो अंकल आपको कितनी लोकल एड फ्रेंड्स मिलेगी। तो ठीक है उस दिन का चाय कॉफी सब मेरे तरफ से डन। और एक बात फ्रेंड्स, हम भले ऑपोजिट टीम में हो पर हमारे बीच में झगड़ा कभी नहीं होना चाहिए। ओके ओके। सभी का स्वागत है गोकुलधाम प्रीमियर लीग के पहले नाइट मैच में। जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। बच्चे औरतें और मर्द साथ मिलकर खेलेंगे गोकुलधाम में पहला फैमिली क्रिकेट मैच। बारिश की मौसम है तो आज यहाँ पर चौको और छक्को की बरसात होगी और उसी के साथ बरसात होगी इनाम की और मनोरंजन की। तो मैं सुंदरलाल फ्रॉम अहमदाबाद और कमेंट्री में मेरा साथ देने के लिए आ गई है मेरी इन मेहसाणा की मूंगफली की मस्ती से भरी हुई मोनिका। जय जिनेंद्र बाबू जी। जय जिनेंद्र। चंपकलाल जी आज यहाँ पे दो टीम्स खेलने वाली है, एक टीम में आपका बेटा है और दूसरी टीम में आपकी बहू और आपका पोता। अब ये बताइए कि आप किस टीम की तरफदारी करेंगे? अरे मैं किसी की तरफदारी नहीं करूँगा, जो सच होगा वही फैसला लूंगा। जबरदस्त जठा।
दिखाते हैं जो भी हमने ठाना, अपने दुश्मनों को आता हमको धूल चटाना। हम तो आखिर हम हैं, हमसे ना टकराना। खिलाड़ी नहीं खिलाड़ी हम, ना तो चने चबा देंगे। कलंदर नहीं सिकंदर हम, ईंट से ईंट बजा देंगे। गरजते हैं जो बरसते नहीं, घमंड में नहीं आना। समझे? हमारे सामने मुश्किल है, तुम्हारा यूं टिक पाना। जेठालाल दावा है हमारा, तुमसे हम ही बाजी मारेंगे। मियां मिट्ठू बनना छोड़ो, देखना तुम ही हारोगे। धूल में खाप मिला देंगे, रौप ना दिखलाना। अपने दुश्मनों को आता हमको धूल चटाना। हम तो आखिर हम हैं, हम हैं, हमसे ना टकराना। अरे कप्पा बस, हमारे सामने मुश्किल है, तुम्हारा यूं टिक पाना। अपने दुश्मनों को आता हमको धूल चटाना। चल चल, हमारे सामने मुश्किल है, तुम्हारा यूं टिक पाना। अपने दुश्मनों को आता हमको धूल चटाना। जबरदस्त जेठा बिंदास भिड़े, 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 जबरदस्त जेठा बिंदास भिड़े। जबरदस्त जेठा और बिंदास भिड़े का जुनून भरा डांस देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का मुकाबला कितना रोमांचक होने वाला है। और आप सब लोगों को तो पता ही है कि हारने वाली टीम के कप्तान को मिलेगा घुंघरू वाला झाड़ू। और जीतने वाली टीम को मिलेगा सेठ ब्रदर्स की तरफ से कायम चूरन कप। ये और साथ ही मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम। बाबूजी ले लीजिए टॉस उछालिए। हाँ ला। चल बोल बेटिया क्या चाहिए? बैटिंग। ये बाबूचा छापा या काटा? हाँ वो मेरा छापा उसका काटा। आएगा आएगा इसमें आएगा। कहाँ गया? कहाँ
किधर है का? अरे बाबू आपकी टोपी में अटक गया था। तो टॉस फिर से उछाला जाएगा। एक मिनट बाबूजी, टोपी निकल के उछलना। वे चलने वे। तुम लोग खाली टॉस जीते, मैच नहीं जीते, जीत गए गरबा खेल रहे थे। मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया था कि हमारी टीम ही टॉस जीतेगी, तो हम जीत गए। और उसी तरह माँ ने ये भी आशीर्वाद दिया था कि हम ही मैच जीतेंगे। अरे मैच तो हम लोग ही जीतने वाले हैं, देखना। माय डियर भिड़े भाई, आप टॉस जीत गए, तो बोले आप क्या पसंद करेंगे? बोलेंगे आप बैटिंग। क्या क्या बैटिंग? बिंदास भिड़े की टीम करेंगे बैटिंग। तो दोनों टीमों को ऑल द गोकुलधाम प्रीमियर लीग। आप सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ मैच का नहीं, युद्ध का माहौल है। दोनों टीम के खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं ये ब्रेन के लिए। तो सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं ओपनर्स टप्पू और रोशन देवी। और टप्पू अभी क्रीज पे आ गया है। टप्पू वार्म अप हो रहा है। टप्पू बिल्कुल अपने मामा की तरह एकदम कॉफी मग स्टाइल खेलेगा। चलो शाबाश शाबाश फर्स्ट क्लास। क्या बॉल? सॉरी। यस कैप्टन। हाय हाय मेरी सोनी है। अब मैं कह रहा तू मेरी सोनी है, तू मेरी हीरी है। चाल चाल अबे बॉलिंग कर, बॉलिंग खेलो के खेलो। अरे रोशन देखो, टप्पू को पहले ही बॉल में आउट है। अब तुमको बॉलिंग तुम्हारे ऊपर भरोसा है पूरा। डंडी उड़ाओ 100%। आशीर्वाद दीजिए बापू जी कि ये मैच। चलो चलो कैप्टन। यस शाबाश शाबाश। कम ऑन सोनी भाई, कम ऑन सोनी भाई। चल टप्पू। चलो सोनी। क्या हुआ कैप्टन? अरे चलो बॉल डालो ऐसा। यस कैप्टन। ऐसा और ये सोनी ने बॉल डाला और टप्पू ने उठा के मार दिया। और ये इट्स अ सिक्स। बहुत ही बेहतरीन शॉट। गोकुलधाम प्रीमियर लीग का पहला छक्का। अब सोडी जी डालने जा रहे हैं दूसरी बॉल। देखना है कि इस बॉल पर टप्पू क्या करते हैं। ये डाली सोडी जी ने दूसरी बॉल और टप्पू दौड़ा लिया एक रन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो एक एक ही मिला, एक ही मिला। चलो चलो। और इसी के साथ बिंदास भिड़े टीम के हो गए 7 रन। भाई गोले पीछे रहे, पीछे रहे, थोड़ा पीछे रहे। स्टार्ट लेना स्टार्ट। हाँ उधर नाड़ा बांध बराबर। नहीं तो दौड़ते दौड़ते चल रोशन तैयार। और अब सोडी जी गेंद डालने जा रहे हैं। सोडी ने गेंद डाली और ये वाइड बॉल। ओ चमचक चाचा ने इशारा कर दिया है वाइड बॉल का। चाचा जी ये वाइड बॉल थोड़ी ना, देखो बैट के पास से गई, आप कह रहे वाइड बॉल है यार, कमाल है चाचा जी। ये टुकड़ा वाइड है, वाइड मतलब वाइड है कैप्टन। बापू जी क्या बराबर बोल रहे हैं आप। ओ वाइड। और अब सोडी जी डालने जा रहे हैं अगली बॉल रोशन भाभी को। और ये उन्होंने डाली बॉल है ये रोशन भाभी क्लीन। वाह
विलास भिड़े को पहला झटका लग चुका है। कॉलेज के जमाने में रोशन भाभी ने सोडी को क्लीन बोल्ड कर दिया था, लेकिन आज सोडी ने उनको क्लीन बोल्ड करके अपना बदला ले लिया है। पहला झटका बिंदेश बे की टीम को। कोई बात नहीं, मोबाइल आ जाओ। और अभी बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं पोपटलाल। मैं देख रहा हूं कि आज पत्रकार पोपटलाल अपने साथ छाता नहीं बल्ला लेके आए हैं, तो देखते हैं उनका बल्ला आज कैसे बोलता है। शाबाश, चलो सड़े। यस कैप्टन। पत्रकार पोपटलाल ने कुछ जलवा नहीं दिखाया, उनकी पेन की तरह आज उनका बल्ला कुछ भी नहीं बोला। दुनिया को हिला के रख दूंगा ऐसा बोलने वाले पत्रकार पोपटलाल आज कुछ हिल भी नहीं पाए और क्रिस पर ही डटे रहे। उन्होंने 3 गेंद गवा दी और 1 भी रन नहीं बनाया। चलो, और इस ओवर की समाप्ति के साथ स्कोर हुआ है 8 रन 1 विकेट पर। ये भाई पोपट, ये बाजुआ चाचा जी, मैं यहाँ से डालूंगा। भाई इधर आ जा। नक्की करो इधर से के इधर से। हाँ चलो चलो भाई चलो। अरे मुझे कहाँ लेके जा रहा है? मैं यहाँ से डालूंगा। अब्दुल कादिर की तरह अब्दुल ने गेंद डाली और ये टप्पू ने शॉट मारा और गेंद गई माजी भाभी के पास में। माजी भाभी रिटर्न कर रही है गेंद को, तब तक टप्पू ने ले लिया है 1 रन। पत्रकार पोपटलाल ने मारा दुनिया हिला दूंगा। क्या कर रहा है भाई तो? अरे इतना वड़ा पाव मत खाना, झुक भी नहीं सकता, पेट बढ़ गया। बैठ जा जरा। ये पत्रकार पोपटलाल का हौसला बुलंद हो चुका है, ये चौके से उनके कॉन्फिडेंस में जरूर इजाफा हुआ होगा। और अब्दुल ने अपनी अगली गेंद डाली और गेंद गई सीधी सोनी के पास। सोनी ने गेंद को लपक लिया है। अरे क्या आउट? झटका लग चुका है बिंदास भिड़े की टीम को। और इसी के साथ स्कोर हो चुका है 13 रन और 2 विकेट जा चुके हैं। और बबीता जी इस वक्त काफी खुश नजर आ रही हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर दूसरी टीम के 2 विकेट उड़ चुके हैं। और आगे नए बल्लेबाज लिटिल मास्टर गोगी, जिनसे उनका बल्ला लंबा है, वो गोगी आ गए मैदान पे। देखते हैं वो कितने रन बनाते हैं, उनके पास से बहुत अपेक्षा है टीम को। और गोगी ने मार दिया है शॉट और ये 4 रन, बहुत ही बेहतरीन शॉट। गोगी भी 4 मार रहा है, बोलो। और ये अब्दुल ने गेंद डाली, टॉप बॉल। ओवर, दूसरी ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 17-2। चलो 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 नटू काका चलो। हां सेठ जी, अभी गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए आ चुके हैं काफी अनुभवी खिलाड़ी नटू काका। नटू काका ने उछाली गेंद टप्पू की ओर। बोले अंकल। क्या? हाँ अंकल, बॉल गया 2 पैर के बीच में से। आपने बुलाया इसलिए छूट गया। जाइए अभी लेकर आइए। जाता हूँ। टप्पू ने फिर एक बार अपना जलवा दिखा दिया है और लग रहा है आज की टप्पू बहुत ज्यादा फॉर्म में है। और ये नटू काका ऑन हो चुके हैं और उन्होंने डाली गेंद टप्पू को, और टप्पू ने मार दिया शॉट और ये गेंद हवा में, देखते हैं सिक्स जाती है या कैच होता है। गेंद देखिए अंपायर ने घोषित किया, इट वाज अ नो बॉल। एक मिनट
ऐसा कैसा नो बॉल बाबू जी? अरे क्या ऐसा कैसा नो बॉल? ये नटू ने बाहर से बॉल डाला था। है नटू काका? सेठ जी मेरा ध्यान नहीं था। अरे तो ध्यान रखना चाहिए ना आपको। अरे लेकिन सेठ जी मैं बैट्समैन की तरफ ध्यान रखूं या इधर ध्यान रखूं, कितनी तरफ ध्यान रखूं? इनका ओवर इधर ही खत्म कर सकते हैं। जा जा ऐसा थोड़ी होता है। चलो चलो नटू काका ध्यान से। फोकट है फोकट, मार कहीं भी बापू। और ये फ्री हिट के लिए गेंद डालने जा रहे हैं नटू काका। नटू काका ने गेंद डाली। ओ टप्पू ने उठा लिया अपना बल्ला। और ये क्या वाह क्या? अरे सेठ जी खेल में सामने वाले के खेल की कदर करना उसी को खेल दिले कहते हैं। ये भाई रेवाज़े नटू, ये सब इसे मत समझा, इसे समझ में नहीं आएगा। सेठ जी दिल छोटा नहीं करते, टप्पू आपका ही बेटा है ना। हा? जी गली तो खिचड़ी माँ। कम ऑन। ओए नटू काका सब और तुम ही डालो। फिर से नटू काका तैयार है टप्पू की ओर गेंद फेंकने के लिए। बस ऐसे नटू काका शाबाश। फिर से उछली हवा में मार और मार। माधवी भाभी बढ़ रही है गेंद की ओर। देखना है कि टप्पू बच जाएगा या आउट हो जाएगा। और ये दोनों फील्डर आपस में टकरा चुके हैं और गेट लो भी ये। चलो कोई बात नहीं। गुड ट्राई। तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 30-2। जेठालाल की टीम की तरफ से आ रहे हैं मोंटी। और आगे जाके मारने की कोशिश की पूरी तरह से गेंद को छूते और ये अरे वाह सोने अरे वाह। और इसी के साथ चौथे ओवर की समाप्ति हुई है और स्कोर हुआ है 37-3। और इसी के साथ अब अगला ओवर फेंकने के लिए आ रहे हैं शिवर। चलो 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 शाबाश बहुत अच्छे चलो। अब्दुल उधर। और यहाँ पे अंजलि भाभी रन आउट हो गई है। उनको कुछ समझ नहीं आया कहाँ से थ्रो आई और वो बिल्कुल रन आउट हो चुकी है। बहुत ही सामंजस में है कि वो कैसे आउट हो गई। चलो अभी मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। और अभी बैटिंग करने के लिए आ गए हैं बिंदास भिड़े टीम के कप्तान आत्माराम तुकाराम भिड़े। और इसी के साथ प्लेड बहुत ही अच्छा डिफेंस। और नई ओवर डालने के लिए आ गई है सोनू। सोनू ने बेहतरीन ओवर डाली है। उसने रन रेट को कंट्रोल में कर लिया है और उसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 50-4। अगला ओवर डालने के लिए आ रही है सोनू की मम्मी यानी कि माधवी भाभी। और अब पति और पत्नी आमने सामने आ गए हैं। सोनू पकड़ जल्दी। उधर सोनू बेटा पापा को आउट करने का है, जरा ध्यान दो। वाइड बॉल। कोई बात नहीं माधवी भाभी, कोई बात नहीं। और भिड़े भाई ने अपनी पत्नी की ओर में लगा दिया शानदार चौका। माधवी एकदम मायूस होकर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई विद्यार्थी नापास होकर जा रहा हो। और उसी के साथ सातवां ओवर भी समाप्त और स्कोर हुआ है 57-5। और इसी के साथ मनोरमा जी उतर चुकी हैं पिच पे बॉलिंग करने के लिए। क्या हुआ बेटी, दमा हुआ है? नहीं नहीं
ये मेरा स्टाइल है। और ये मनोरमा जी ने गेंद डाली। ये बॉल डाल रही है कि भाला फेंक के मार रही है? गगराज की हिट विकेट आउट। गगराज गिर पड़े, स्टंप जैसे दब सी गई है, फ्लैट हो गई है, कागज जैसी हो गई है। और अब गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए आ गए गोली। बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा था उनका फील्डिंग में। आप देखते हैं कि वो बॉलिंग कैसी डालते हैं। फर्स्ट बॉल पे क्लीन बॉल। और ये अय्यर साहब आउट होके जा रहे हैं पेवेलियन की ओर। साहब अभी रिश्तेदारी एक तरफ, जिम्मेदारी एक तरफ। चलो और माय डियर बहन अब मैदान पे आ चुके हैं। उसके हाथ में बल्ला है। अरे जल्दी फेंको। ये जीटिया ध्यान से खेल, बहु को बॉल लग गया। अब मुझे क्रिकेट में तो ऐसा लगता है, अभी उसमें क्या ये लगता है वाड़ी? उसे ज्यादा लग जाता तो हैं? कल सुबह खाना कौन बनाता? मेरे लिए अदरक वाली चाय कौन बनाता? टप्पू को स्कूल कौन भेजता? मेरे लिए नाश्ता कौन बनाता? हैं? क्रिकेट में तो ऐसा होता है वाड़ो, अकल वगर जो। बापू जी का खामखा अंपायर बनाया। अभी एकदम रोमांच भरी स्थिति में आ गया है क्योंकि बैटिंग करने जा रही है माय डियर बेला और गेंद डालने जा रहे हैं माय डियर जीजू। और ये माय डियर जीजा जी ने गेंद डाली और माय डियर बहना ने बल्ला घुमाया। और नॉनसेंस, क्या कर रही है तू? देखो ये तो कहा बाबू जी, ऐसे कोई क्रिकेट खेलते है? बैट मुझे लग जाता तो दुकान कौन संभालता? अरे दुकान की चिंता मत करो सेठ जी, मैं हूँ ना। मट्टू काका चुप रहो तुम। ए भाई ये स्कोरर, ये बॉल नहीं गिना जाएगा। सॉरी। चल ले अभी हाथ से खेलेगी, बैट चाहिए कि नहीं? सॉरी। ठीक है चल भाई चल वापिस बॉल डाल। चलो कैप्टन अभी शॉट मारो। हाँ बेटा। अब जेठालाल की अगली गेंद और जेठालाल ने गेंद डाली। पीछे जा, थोड़ा पीछे जा। जीतेंगे हम, जीतेंगे। मम्मी मम्मी जैसे ही शॉट, ऐसे ही शॉट मारना मम्मी। आदि शानदार फोर मार दिए माय डियर बेला ने। माय डियर बेला रेडर हो, बहुत बढ़िया खेल रही हो। कीप इट अप। टप्पू बेटा हम जीतेंगे। और ये जेठालाल जी गेंद डालने जा रहे हैं। जेठालाल ने गेंद डाली और माय डियर बेना ने शॉट मारा। गेंद गई है अब्दुल के पास में। अब्दुल फील्ड करने जा रहे हैं दूसरे दिन के लिए। दौड़ पड़ी है लेकिन अरे जल्दी 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 अब्दुल ने थ्रो कर दिया और ये रन आउट। अरे यार दूसरा रन नहीं चाहिए था अभी। और इसी के साथ बिंदास भेड़े की टीम का स्कोर हो चुका है 74 विकेट्स और बची है अभी केवल 4 गेंदें। ऐसा थोड़ी नहीं होता है, बहुत ना से हिंसा भी है तो आ गया। और इसी के साथ अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं पिंकू। आखिरी बची हुई 4 गेंदों में देखना ये कि वो अपना कितना जलवा दिखा पाते हैं। और ये जेठालाल ने फेंकी पिंकू की तरफ गेंद और ये वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पिंकू ने लिया है 1 रन। बड़ी मजे की बात तो ये है कि अब बैटिंग का जो छोर है वो संभाल लिया है टप्पू ने। और ये इनिंग की आखिरी गेंद डालने जा रहे हैं माय डियर जीजा जी। और ये माय डियर जीजा जी ने गेंद डाली और ये
टपू ने उठा लिया उसी के साथ टपू का स्कोर हो गया 50। और अब जबरदस्त जेठा की बैटिंग इनिंग स्टार्ट होने जा रही है और अब देखना ये है कि जबरदस्त जेठा टीम ये स्कोर बना पाती है या नहीं। तो शुरू करते हैं जीपीएल यानी कि गोकुलधाम प्रीमियर लीग का सेकंड इनिंग। चलो 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 जल्दी ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। और यहाँ पे सेकंड इनिंग शुरू होने जा रही है। जबरदस्त जेठा की टीम की ओर से दो ओपनर आ रहे हैं मोंटी और गोली। वो ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट अपना टीम। और ये पिंकू अपनी पहली गेंद डालने जा रहे हैं। सेकंड इनिंग कमाल 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 पिंकू कमाल ऑल द बेस्ट गेंद डालने जा रहे हैं। और ये पिंकू ने गेंद डाली और ये गोली ने उठा लिया है और ये 4 रन। शाबाश शाबाश। ये होती है शुरुआत। ओवर ओवर। और ये पहले ओवर की समाप्ति के साथ जबरदस्त जेठा की टीम का स्कोर हुआ है 6 रन। और अब गेंद डालने के लिए आ रहे गजराज जी। ये भाई ये जूते फट जाएंगे तो बॉलिंग कैसे करेगा। ओके शाबाश शाबाश। और ये गजराज जी ने 100 हाथियों के बल से गेंद डाली और गोली ने 200 हाथी के बल से उठा दिया और ये 4 रन। और ये अब गजराज जी डालने जा रहे हैं अगली गेंद मोंटी की ओर। उन्होंने फेंकी गेंद और ये मोंटी ने मारा शॉट गेंद हवा में और ये समाप्ति पे जबरदस्त जेठा की टीम का स्कोर हुआ है 12 रन। और अभी गेंद डालने के लिए आ गई है रोशन भाभी और क्रीज पे है सोनी भाई। बड़े दिखा दे अपने लस्सी का कमाल। कीड़े को दिख रहा है बॉल। नया चश्मा कराया लगता है। और ये सोनी भाभी ने गेंद डाली और सोनी जी ने उठा दिया है बल्ला और और इसी के साथ रोशन भाभी का बदला पूरा हो चुका है। उनके चेहरे पर खुशी साफ साफ नजर आ रही है। और अब जबरदस्त जेठा की टीम की ओर से बल्लेबाजी करने आ रहे हैं कप्तान जेठालाल माय डियर जीजू। डरना मत मैं हूँ बिंदास। नाड़ा बांध अपना नाड़ा बांध पहले। और ये गोली बिंदास हमारी टीम का नाम है समझा ना। चलो चलो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने हैं। और 3 ओवर की समाप्ति पे जबरदस्त जेठा की टीम का स्कोर हुआ है 16-2। चले भाई क्या बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। डरना मत मैं हूँ चल जा अभी उधर। और यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए आ गई है
जाओ अभी आराम से। हाँ बहु बॉल वहां डालना है, गरबा खेला बंद करो, बॉलिंग कर बॉलिंग। सॉरी। और ये माय डियर बेना गेंदबाजी करने जा रही है अपने लाक्षणिक मुद्रा में, गरबा खेलते 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 अब उसने गेंद डाली और ये गोली वापस पवेलियन की ओर जा रहे हैं, काफी उदास चेहरा लिए और वहां से मुस्कुराती हुई आ रही है माधवी भाभी। मोनिका यहाँ तो हैट्रिक का चांस तैयार हो गया है, क्या लगता है माय डियर बेना हैट्रिक लेगी या नहीं लेगी? कमोन कमोन देव अभी हैट्रिक, देव अभी अभी दो विकेट लिए आपने, तीसरा विकेट चाहिए, हैट्रिक हैट्रिक चाहिए। देखो मनोरमा भाभी। यस कैप्टन। क्या बोलने आया था भूल गया। हाँ देखो आप हमारे इधर मेहमान है और मेहमान भगवान समान होते हैं और भगवान तो सबकी सुनते हैं। ये सुन रहे कि नहीं मेरा? हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 हेलो सुनाई दे रहा है कैप्टन। ओहो तो क्या हमको इधर ही रहने का है? तो मेरी इधर इज्जत रहे ऐसे खेलना। मेरी नजर निशाने पे है कैप्टन। तो दाग दो गोली। माय डियर बेना अपनी तीसरी गेंद डालने जा रही है, हैट्रिक के लिए आगे बढ़ रही है। चौट्रिक कंफर्म, चौट्रिक सोनू स्ट्राइक पे। सोनू बेटा अगर वो गरबा करके बॉल फेंक रही है तो तू ऐसे लावणी करके बैटिंग करना। हाँ ओके कैप्टन। चलो नवरात्रि खत्म हुई और यहाँ पे जबरदस्त जेठा की टीम का स्कोर हुआ है 19-5 और अगली ओवर डालने आ रहे हैं माय डियर वालियर टापू। कम ऑन टापू, कम ऑन कम ऑन। आजा भाई इधर, आजा इधर इधर बस। हाँ मैं इधर से बैटिंग करता हूँ, आजा। ओहो वेरी गुड वेरी गुड। 12 बॉल। अरे वाह क्या बात है टप्पू। वाह माय डियर भांजे ने पूरी मेडल ओवर डाल दी है, पूरा मेडल ओवर। और इसी के साथ स्कोर हुआ है 5 ओवर के बाद 19 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यस और अब बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं खुद कप्तान भिड़े। अरे अय्यप्पा। अरे Oh
सामने कैप्टन देखना है कि अब कौन कैसा जलवा दिखाता है। और ये भिड़े ने गेंद डाली, छक्का। बिल्ली मास्टर एक बार बोला ना नोट आउट है। थैंक यू बाबूजी। ये थैंक यू वाली, ऐसा नहीं है तू मेरा बेटा है इसलिए मैंने नोट आउट लिया है, तू नोट आउट था इसलिए मैंने नोट आउट लिया है। कभी कभी बैट से भी खेलो जेठालाल। अभी सेक्स मारा था भूल गया क्या गजनी? और हाँ हाँ, गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए आ रहे हैं पत्रकार पोपटलाल। ये भाई ये पोपटिया, हाँ हाँ, कहाँ जा रहा है खेलना नहीं है? रनअप रनअप चाचा जी रनअप। एक मिनट रुक जा भाई, तेरा छाता गिर गया। हाँ सॉरी सॉरी। ला इधर ला छाता, इधर ला। क्यों आपको छाता क्यों चाहिए, बारिश तो नहीं आ रही है। अरे तो फिर तुझे क्यों चाहिए छाता? ये छाता मेरे लिए बहुत लकी है, ये छाता जब भी रखता हूँ ना अपने पास तो 3-4 विकेट धड़ाधड़ उड़ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ भी हो लेकिन तू छाता लेके बॉलिंग नहीं कर सकता। बराबर है छाता भाई, अलाउड ही नहीं है। अरे छाता लेके क्यों बॉलिंग नहीं कर सकता? भिंडली मास्टर समझाना इस डिब्बे को। अरे ए पोपटलाल भाई, ए तू विकेट लेना, तू छाता मत ले, और ये नाचना जरूरी है क्या? दे 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 दे। ऐसा नहीं खेल सकते भाई, लाना है। पोपटलाल सोनू फोर मार रही है तुम्हें, क्या कर रहे हो तुम? भैया मैंने पहले ही बोला था कि छाता रहने दे मेरे हाथ में, छाता लकी है, एक भी फोर नहीं जाता छाता होता तो। अबू क्या रन आउट करने का? अंदर है भाई, पैर अंदर है। मैंने कुछ बोला, अपील किया, दिख रहा है मुझे? बोल रहा हूँ भाई, तुम्हारा भरोसा नहीं कुछ। हेलो बबट। और ये 7 ओवर हो चुके हैं और जबरदस्त जेठा की टीम का स्कोर हुआ है 44-5। और अब अगली ओवर डालने के लिए आ रहे हैं गोगी। और गोगी चक दे फटे। अरे चलना है गदर का सनी देओल भाई, बॉल डालना। गोगी ने अपनी पहली गेंद डाली और ये सोनू ने शॉट खेल दिया। भाग भाग सोनू भाग। अंदर ने उसको रन आउट कर दिया। और यहाँ पे 6 विकेट गिर गया है जबरदस्त जेठा की टीम का। और इसी के साथ उनका स्कोर हुआ है 44 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और ये सोनू वापस पवेलियन की ओर जाती हुई और वहां से आ रहे हैं नट्टू काका। चलो कमान 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 पिक अप, चलो अभी देखना सब अनुभव। जो बोले सॉरी सस्त्रियता। गोगी ने गेंद डाली और ये जेठालाल ने शॉट लगा दिया है। जेठालाल ने तेजी से पहला रन समाप्त किया, दूसरा रन देने जा रहे हैं। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, नट्टू काका गबड़ पड़े हैं और ये रन आउट हो गए। और बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं अब्दुल। और अभी बॉलिंग के लिए आ गई है अंजलि भाभी। अंजलि आंटी ऑल द बेस्ट। शाबाश।
और कैसा रहा सिक्स? ये ठीक था, सिक्सर को छोड़ दो जेठालाल, अभी एक ओवर बाकी और आपको 13 रन चाहिए, मतलब एक बॉल में 2.17 रन। चल चल अब्दुल फर्स्ट क्लास, लास्ट ओवर है, 13 रन चाहिए, चलो 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 एक ओवर में। और बॉलिंग के लिए उतरे हैं अय्यर। नहीं नहीं मेरे पास है। हाँ? अबे ला मजाक कर रहा हूँ। हाँ। अय्यर अपनी ओवर की पहली गेंद डालने जा रहे हैं। अय्यर ने अपनी पहली गेंद डाली, अब्दुल ने स्ट्राइक लिया और एक रन ले लिया और स्ट्राइक ले लिया, जिनको बनाने होंगे 5 गेंदों पर 12 रन। मैच बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, अब ये सेकंड गेंद डालने जा रहे हैं अय्यर। अय्यर 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 कमऑन अय्यर। अय्यर ने अपनी गेंद डाली और जेठालाल ने स्ट्रोक खेला और ये गेंद हवा में और ये सिक्स। कमाल का शॉट, कमाल का शॉट, इस शॉट ने तो मैच का रुख ही बदल दिया है। और अब उनको चाहिए 4 बॉल में 6 रन। सही में मैच पलट चुका है, बिंदास बिरे के हाथ में से मैच सरक रहा हो ऐसा लग रहा है। अय्यर अपनी तीसरी गेंद डालने जा रहे हैं। अय्यर ने अपनी तीसरी गेंद डाली, ये डॉट बॉल। वेरी गुड अय्यर, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। ऐसे ऐसे टाइट टाइट टाइट, कम ऑन कम ऑन। और इसी के साथ अय्यर तैयार है अपनी चौथी बॉल डालने के लिए। ये अय्यर ने डाली बॉल और सही में मैच अभी नेल बाइटिंग हो गया है, पता नहीं मैच किस ओर जाएगा, पल पल अपना रुख बदलते हुए मैच। हाँ भाई सब है चलो चलो। और ये मैच की सेकंड लास्ट बॉल और ये अय्यर ने गेंद डाली और माय डियर जीजा जी ने और ये 4 रन। हर गेंद के साथ ये मैच एक्साइटिंग हुआ जा रहा है, आगे देखते हैं कि इस आखिरी बॉल में अब क्या होता है। आखिरी गेंद बची है और आखिरी गेंद में बनाने हैं 2 रन, एक गेंद 2 रन, देखते हैं अब क्या होता है। सही में मैच एकदम रोमांच भरी स्थिति में है, एक गेंद 2 रन, एक गेंद 2 रन। और अय्यर मैच की आखिरी गेंद डालने जा रहे हैं। अय्यर ने गेंद डाली, जेठालाल ने स्ट्रोक खेल दिया है, दूसरा रन लेने के लिए जेठालाल जा रहे हैं और ये मैच में रुका हुआ। ये सब क्या हो रहा है? अब क्रिकेट हो रहा है सब, क्रिकेट। चलो चलो बंद करो, ये कोई टाइम है क्रिकेट खेलने का? अरे यार लोड शेडिंग चला रहा है, आप लोग ये पूरा लाइट भी जला रहे हो, और ये सब क्या है, ये कौन है लोग? ये चीयरलीडर्स है, खेल के वक्त लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए एकदम निर्दोष नाच का प्रदर्शन करते, एकदम सात्विक है, कांदा लहसुन कुछ नहीं खाते, एकदम सात्विक है। चलो चलो बंद करो बंद करो बंद करो। ओ मालकिन जी, पर ये पुलिस कैसे आ गई? मैं नहीं पता। तुम्हारी कंप्लेंट है हमारे पास, इसलिए हम लोग आए। नाइट मैच खेल रहे हो, किसी ने परमिशन लिया? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे सोसाइटी का सेक्रेटरी आत्माराम दुकाराम भिड़े, उसका कोई काम कच्चा नहीं होता है।
बेटा परमिशन लिया ना? हाँ बिल्कुल जेठालाल, देखा दे इनका, एक मिनट अभी आपको पता चलेगा। बताओ बताओ बताओ। बेटा साहब जिम्मेदार सेक्रेटरी होने के नाते मैंने परमिशन दे दी है। ओए रिसीट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने पुलिस का परमिशन लिया है क्या? पुलिस परमिशन की क्या जरूरत है, हम तो सोसाइटी के अंदर ही क्रिकेट खेल रहे हैं ना, और यहाँ पे कोई बाहर का आदमी नहीं है, ये सब जो है वो सब सोसाइटी के ही आदमी है। और सबसे बड़ी बात, हमने टिकट नहीं रखा है इसमें बिल्कुल भी, तो परमिशन की जरूरत ही नहीं है ना। इन शॉर्ट आपके पास पुलिस का परमिशन नहीं है। हाँ चलो चलो सब बंद करो बंद करो। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, क्या दिया कि क्रिकेट बंद कर दीजिए, तो क्या भाग चुके सोसाइटी में जाके क्रिकेट खेल रहे, बहुत नाश है इंसाफ भी है तो आप क्या है। पाटिल मैं तुमको समझाता हूँ, ये GPL है। GPL का मतलब? मतलब गोकुल धाम प्रीमियर लीग। ये अपनी सोसाइटी का मैच है, अगर तुम एक मिनट लेट हो जाते ना तो ये मैच पूरा हो जाता। अरे पाटिल साहब मैं क्या बोलता हूँ, हो सकता है एक छोटा चक्कर लगा के आओ, तब तक हमारा मैच खत्म हो जाएगा। चल तू जीप में बैठ, मैं तुझे जेल का चक्कर खिला दो। चल मोहन भाई। अरे पाटिल ये अपनी सोसाइटी है, छोड़ना भी जाना। ठीक है मोहन भाई, आप बोलते हो इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन संभाल लेना ठीक है। मालकिन ये लोग जा रहे हैं, इनके जाते हम लोग एक बॉल खेल लेंगे और जीत जाएंगे। क्या बोला रे, क्या बोला, वापस बात बोल। कुछ नहीं जी, मैं कुछ नहीं बोला, मैं बस इतने बोला आप चले जाओगे तो हम लोग फिर से खेल लेंगे। देखा क्या बोल रहे हैं, मेरा थोपड़ा क्या देख रहे हैं, चल बैट बॉल उठा चल चल। बॉल दे। ये बॉल अभी था यहाँ पे, पता नहीं कहाँ चला गया, गिरा होगा शायद यहीं कहीं। तो ये क्या है, यहाँ पर सूजन आ गई है? नहीं नहीं तो है ना, तो ला चल। अरे ये तो पैर निकालोगे मेरी। एक मिनट एक मिनट। अरे कहाँ, अब सिर्फ मैं बोलूंगा, कोई नहीं बोलेगा। ये रात को 2 बजे आपकी क्या दादागिरी चल रही है, ये कोई टाइम है आने का? देश में इतने बड़े बड़े अपराध होते हैं, वहां जाके तो आप लोग कुछ करते नहीं हो, और हमारी सोसाइटी में इतना प्यारा क्रिकेट मैच चल रहा है तो उसे रोकने आ गए। और अगर आना ही था तो एक बॉल के बाद आना चाहिए था ना। सारे जेंट्स, हमारी भाभी, ये छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, सब मजा खराब कर दिया आप लोगों ने। आप कौन? पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। तो पत्रकार महाशय आपके आर्टिकल में ये भी लिखना, रात को कोई क्रिकेट खेलता है, अरे सबको तकलीफ होती है। लिखूंगा, जरूर लिखूंगा, ये लोकशाही का अपमान है, हम अपनी सोसाइटी में क्रिकेट खेले उससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये आप लोगों की सरासर दादागिरी है। मैं दुनिया हिला दूंगा, नहीं सहने वाला हूं मैं। ए पोपट चुप रह। पाटिल मैं समझाएगा, मैं है ना। ठीक है मोहन भाई, जाता हूँ मैं। ठीक है ओके पाटिल, थैंक यू, सुबह आके मिलता हूँ। ओके चल छोटे, चल चल बैठ बैठ चल। देखा देखा मेरे बोलने का असर, भाग गए ये लोग। हाँ, तो आप लोग थे इसलिए, वरना मैं भी। अरे भाई तू भाई चुप रहने, चुप रहे। अरे यार तुम लोग 5 मिनट चुप नहीं रह सकते थे क्या? मैं समझा रहा था ना पाटिल साहब को। और सोडी यार तू इतना बड़ा हो गया ऐसी बात करता है। मैं मोहन प्रा। और यार पोपट तू जर्नलिस्ट होगा ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन ठीक कहा तूने। चलो मोहन भाई चलो, हो गया सो हो गया, अभी हम लोग जीत गए तो हमको कप दे दो भाई। चलो क्या कभी जीते तुम लोग? अरे क्यों, वो जीत करण में ले ही रहा था, इतने में पुलिस आ गए। तो रन पूरा कहाँ किया तुमने? अरे वो समझे वाली बात है ना भाई, पुलिस नहीं आती तो पूरा हो ही जाता था। बिल्कुल, कौन सी समझने वाली बात है ये? अरे नहीं नहीं, वो तो टप्पू ने थोक गया था, मेरे हाथ में बॉल था, मैं स्टंप उड़ाने वाला था कि पुलिस आ गई थी। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, बॉल टप्पू के हाथ में था, टप्पू ने अभी तक फेंका नहीं था, मैंने देखा था। फिर ऐसा उल्लू मत मारना। शांति रखो भाई, इधर बापूजी है ना भाई, तटस्थ आदमी है। चलो वो फैसला करेंगे, बापूजी बता दो भीड़ को कि हम लोग जीत गए। ए ए ए बबूचक जेठिया, क्या हम लोग जीत गए? तू जीता नहीं है। हम लोग जीत गए।
ये भिंडी मास्टर, तू भी जीता नहीं है। वो तो? हाँ। अरे दोनों टीमों के रन बराबर हो गए हैं, मतलब कोई हारा नहीं और कोई जीता नहीं। अरे मैच टाई हो गई है। बहुत सही बात की है बाबूजी आपने, ना कोई जीता है ना कोई हारा है, लेकिन खेल बहुत ही बढ़िया हुआ है। इसलिए प्राइज सेरेमनी तो होना ही चाहिए। चलो तो मैं दोनों टीमों के मालिक और मालकिन को स्टेज पे बुलाता हूँ ताकि प्राइज सेरेमनी हो सके। आइए। तेरी वजह से तो उनका इतना स्कोर हुआ, दो पैर के बीच में से कितना फोर छोड़ा तूने। जिन्होंने बहुत ही शानदार फील्डिंग की है उनको, और वो है अंजलि बाबी। हाँ अंजलि भाभी, आज अभी मेहता साहब हाजिर होते तो बहुत खुश होते हैं। और अब अगला इनाम है बेस्ट बॉलर के लिए। राइट, ये नाम जाता है दया भाभी को हैट्रिक लेने के लिए। तुझ पर ये लीजिए, रखिए, कल बैंक में जमा कर देना। पकड़ा। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे क्यों भाई सुंदरलाल, तुम्हारे प्यारे जिज्जा जी जबरदस्त जेठा टीम में किसी को कुछ नहीं मिला? मिलेगा भाई, मिलेगा, शांति रखना। और अगला इनाम बेस्ट बैट्समैन का, और बेस्ट बैट्समैन का इनाम मिलता है जिसने एक ही ओवर में दो छक्के और एक चौका कर दिया था, और वो है अब्दुल। देख बेटा मिलेगा ना हमारे टीम को है। अगला नाम है मैन ऑफ द मैच का, जो जाता है उस खिलाड़ी को जिसने अपनी लास्ट बॉल पे छक्का मार के अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, टप्पू। खुशी के अवसर पर मैं नरेश भाई से विनती करूंगा कि वो दो शब्द कहे। आज के इस खुशी के मौके पर मुझे ये कहने में और खुशी हो रही है कि दोनों ही टीमों ने बहुत ही अच्छा खेल खेला, इसलिए दोनों टीमों के कप्तान श्री जेठालाल और भिड़े साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और कायम चूर्ण कप को स्वीकार करें।
अच्छा खेले हम लोग और साफ बोला तुमको है? जानते नहीं ना तुमको तुमको भी श्री लगाया जेठालाल के पीछे देखो हाँ वो जानते हैं मुझे लाया लाया कब लाया और हमारे भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स की ओर से सारे खिलाड़ियों को पूरे एक साल के लिए कायम चूर्ण मुफ्त दिया जाएगा सुनते हो टप्पू के पापा हाँ सुन रहा हूँ बोलो मैं मेरा और टप्पू का चूर्ण का डिब्बा आपको दे दूंगी हाँ? क्या है ये लगभग रोज चूर्ण खाते ही है वो सही बोल रही है क्या के खाने के बाद थोड़ा सा चपटिक मैं रोज खाता हूँ उससे क्या पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है बराबर है मैं तो कह रहा हूँ बबीता जी आप भी थोड़ा थोड़ा रोज शुरू कीजिए मजा आएगा अरे ये इनाम तो मिल गया लेकिन अब ये झाड़ू कौन लगाएगा अरे दया भाभी अगर कप दोनों में जीता है तो झाड़ू भी दोनों को ही लगाना पड़ेगा ना सही बात है कप की मजा ले लेना लो अब झाड़ू की मजा लो आप हंस रहे हैं बबीता जी सॉरी अरे ओ भाई ओ ऐसे झाड़ू पकड़कर खड़े मत रहो झाड़ू लगाना शुरू करो आजा भाई आजा चल हाँ चलो 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 उसमें क्या है अभी शर्मा ने Yeah.